हेलो एवरीवन, आज का पाठ है मियां नसीरुद्दीन। इस पाठ को लिखा है कृष्णा सोबती ने। इस पाठ में उन्होंने मियां नसीरुद्दीन जो एक ख़ानदानी नान बाई हैं यानी रोटी पकाने वाले हैं, उनका सजीव मनोरंजक रेखाचित्र बनाया है। मियां नसीरुद्दीन मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ पर कृष्णा सोबती जी जा रही होती हैं और वहाँ पर वह मियां नसीरुद्दीन का एक इंटरव्यू लेती हैं, जो वह पत्रकार की हैसियत से लेती हैं। इस कहानी में मियां नसीरुद्दीन एक ख़ानदानी नानबाई हैं। ख़ानदानी नानबाई का तात्पर्य यह है कि उनके पिताजी और दादाजी भी यही कार्य करते थे, उनका यही पेशा था खानदानी, इसलिए उन्हें खानदानी नानबाई बताया गया है। मियां नसीरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटियां पकानी आती थी। उन रोटियों में जो प्रकार थे रोटियों के, उनमें तुनकी, रुमाली आदि ऐसी रोटियां थी जो आज के बहुत सारे लोगों को पकानी नहीं आती हैं, और वह कई प्रकार की रोटियों का नाम लेखिका को बताते हैं। मियां नसीरुद्दीन अपनी कला के माहिर थे और अपनी कला में उस्ताद थे। उन्होंने यह कला अपने पिताजी से सीखी थी। उनके पिताजी उनके गुरु भी हुआ करते थे। इनकी बातों से आत्मविश्वास और फक्कड़पन स्पष्ट नज़र आता है। साथ ही वह पत्रकारों को भी अच्छा नहीं मानते। मियां नानबाइयों का मसीहा है। नानबाइयों का मसीहा क्यों है? क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर प्राप्त हुआ है और यह हुनर उन्होंने अपनी निरंतर कला साधना से सीखा है। पहले उन्होंने छोटे मोटे काम करने सीखे, तब उन्हें नानबाई का यह जो पेशा है वह अपना उसमें माहिर हुए। बादशाह का प्रसंग आता है तो मियां अपनी बातें बताने लग जाते हैं कि किस प्रकार से उसके पिताजी और दादाजी बादशाह सलामत के लिए रोटियां पकाया करते थे। यहाँ पर उसकी वाक्पटुता स्पष्ट नज़र आती है और वह कहते हैं, हमारे दादा ने बादशाह सलामत को ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई जो आग में ना पके और पानी से भी ना बने। इस प्रकार से वह अपनी कुशलता का परिचय देते हैं कि किस प्रकार से उनके दादाजी और उनके पिताजी खानदानी नानबाई हुआ करते थे बादशाह सलामत के। साथ ही वह पत्रकारों को निठल्ला समझते हैं और वह यहाँ तक कि अखबार पढ़ने वाले लोगों को भी निठल्ला मानते हैं। वह बताते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी बना सकता है। उनके भीतर खानदानी बड़प्पन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और वह अपने हर वाक्य में लगभग अपना बड़प्पन और अपनी कलाकारी और अपने खानदानीपन की बात करते रहते हैं। लेखिका कहती हैं, हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के, यानी कि यहाँ पाठ में हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के का मतलब है दिल्ली में अनेक प्रतिभाशाली लोगों का जमावड़ा रहता है। उससे अलग होकर, उन लोगों की चकाचौंध से अलग होकर के वह मियां जैसे व्यक्ति से मिलती है और किस प्रकार से उसका इंटरव्यू लेती है, यह इस पाठ में बताया है। मियां का स्वभाव जो था वो तुनक भरा था। वह हर बात में तुनक करके बात करते हैं, आंखें तरेर करके बात करते हैं। हालांकि उनका रहन सहन और भारी स्वरूप जो है, बाह्य जो उनका स्वरूप है, वह बहुत ही साधारण और सामान्य है। उनकी वेशभूषा आदि भी बिल्कुल सामान्य है। उनकी वेशभूषा देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि वो कोई महान व्यक्ति हैं। उनकी दुकान भी बहुत मामूली थी। दुकान में अंधेरा छाया हुआ था और वे एक चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे जब वो लेखिका उनका इंटरव्यू लेने जाती है। और साथ ही उनके बुढ़ापे वाले चेहरे पर अनुभवों की मार के निशान भी थे, यानी कि वो अनुभवी थे
यह उनके चेहरे से लेखिका को स्पष्ट नजर आ रहा था। यहाँ जब वह गढ़िया मोहल्ले में जाती हैं लेखिका, तो उन्हें मियाँ नसीरुद्दीन मिलते हैं, जो अपनी सच्ची तालीम के बारे में उन्हें बताते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन सच्ची तालीम अपने अनुभव को मानते हैं, और साथ ही यह बताते हैं कि उनका यह पेशा जो है वो ख़ानदानी पेशा है, और उन्होंने यह रोटियां बनाने का हुनर अपने पिता से सीखा था। उनके पिताजी उनके गुरुजी भी थे। पिताजी ने उन्हें भट्टी जलाना, आटा गूंदना, खोमचा लगाना सिखाया था। उनके पिता और दादा दोनों शाही नानबाई हुआ करते थे। नसीरुद्दीन की नज़रों में सच्ची तालीम क्या है? नसीरुद्दीन की नज़रों में सच्ची तालीम है व्यवहारिक अनुभव। व्यवहारिक अनुभव क्या है? जब वह कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे काम सीखेंगे, बर्तन मांजना, भट्टी जलाना, आटा गूंदना, साथ ही और काम करना, छोटे वाले जो काम हैं, सीधा आप नानबाई नहीं बन सकते हैं, तो इस प्रकार का व्यवहारिक अनुभव वह आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार तालीम को अपनाना महत्वपूर्ण है। जो आपने सीखा है उसे अपनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी पुश्तैनी कला में महारत हासिल कर सकते हो। यानी आपकी खानदानी पुश्तैनी, यानी जो पुश्तों से चली आ रही है, वर्षों से हमारे पुरखों ने जो काम किया है, उस कला में महारत हासिल कैसे कर सकते हैं? वह कर सकते हैं कठोर श्रम और निरंतर अभ्यास के द्वारा। यह मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं। उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि सच्ची तालीम हमारे कार्य को सीखते हुए उसका निरंतर अभ्यास करने से ही प्राप्त की जा सकती है। तभी कोई व्यक्ति अपनी जो खानदानी उसका हुनर है वह सीख सकता है। इस चित्रण में उनकी वाक्पटुता, इस वाक्य में आप देखिए, हमारे दादा ने बादशाह सलामत को ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई जो आग में ना पके और पानी से ना बने, इसमें उसका क्या दिख नज़र आ रहा है? उनकी वाक्पटुता के साथ साथ उनके पुरखों की तारीफ और अपने बड़प्पन के साथ साथ वह हर समय अपने हुनर और मेहनत जो उन्होंने की है उसका बखान करते हुए नज़र आते हैं। इस प्रकार से लेखिका ने हजारों हजार धूम धड़कों, मसीहों के धूम धड़कों, यानी दिल्ली में बहुत सारे कलाकारों के जमावड़े के बीच में मियाँ नसीरुद्दीन का यह रेखाचित्र बहुत ही सजीव और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।